तराइन की दूसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मिली करारी हार के बाद बदला लेने के लिए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी दूसरे युद्ध के लिए बहुत तैयारियां करके आया। कहा जाता है कि वो 1,20,000 सैनिकों के साथ मैदान में उतरा, जिसमें बड़ी संख्या में बख्तरबंद घुड़सवार और 10,000 धनुर्धारी घुड़सवार शामिल थे। ये सोचना उचित नहीं होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी ओर से शासन में लापरवाही की या उसे स्थिति का अंदाजा तभी लग सका जब बहुत देर हो चुकी थी। ये सही है कि इस अंतिम अभियान का सेनाध्यक्ष स्कंद कहीं और फंसा था। जैसे ही पृथ्वीराज ने गोरियों के खतरे को भांपा, उन्होंने उत्तर भारत के सभी राजाओं से सहायता का अनुरोध किया। बताया जाता है कि कई राजाओं ने उसकी मदद के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन कन्नौज का शासक जयचंद्र चुप रहा। इन दोनों राज्यों के बीच पुरानी दुश्मनी थी और इस कारण कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जयचंद्र ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सेना में 300 हाथी और 300,000 सैनिक थे, जिनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थे। दोनों तरफ की सेनाओं की शक्ति के वर्णन में अतिशयोक्ति भी हो सकती है। संख्या के हिसाब से भारतीय सेना बड़ी हो सकती है, किंतु तुर्क सेना बड़ी अच्छी तरह संगठित थी। वास्तव में ये दोनों ओर के घुड़सवारों का युद्ध था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की जीत श्रेष्ठ संगठन तथा तुर्की घुड़सवारों की तेजी और दक्षता के कारण ही हुई। पृथ्वीराज चौहान की हार ने भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया। तराइन के इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक विशेष मोड़ माना जाता है। इस युद्ध में मुस्लिमों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई। इस विजय से बाहरी आक्रमणकारियों के पांव भारत में काफी लंबे तक जम गए, क्योंकि इस युद्ध से पूर्व भी पृथ्वीराज के कई हिंदू राजाओं से युद्ध हो चुके थे और इन राजाओं से उनके आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे, जिस कारण अधिकांश राजपूत राजाओं ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया।